अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम योर क्लास 12 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 को क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्ट 1 इज कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए। अब करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है इसको अज्यूम करेंगे y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x ओवर a। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए। वी नो दैट डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास अब डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स ओवर ए रेस टू द पावर टू इंटू, अब यहाँ पे एंगल है एक्स ओवर ए, तो साथ आ जाएगा एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ओवर ए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इंटू वन ओवर ए इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। देन हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इंटू वन ओवर ए, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वन के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर इंटू वन ओवर ए। अब यहाँ पे देखा जा सकता है स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ए ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वन ओवर ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट टू। पार्ट टू में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए का, तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट y is equal to cot inverse x over a, differentiate with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx this is equal to d over dx of cot inverse x over a। We know that d over dx of cot inverse x this is equal to minus 1 over 1 plus x square। तो हमारे पास अब dy over dx आ जाएगा minus 1 over 1 plus x over a raised to the power 2 into d over dx of x over a। देन आ जाएगा dy over dx this is equal to minus 1
over 1 plus x square over a square into x over a का derivative with respect to x हमारे पास आ जाएगा 1 over a के equal. Then आ जाएगा dy over dx, this is equal to minus 1 over a square plus x square over a square into 1 over a. dy over dx now becomes minus a square over a square plus x square into 1 over a. a से a cancel हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to minus a over a square plus x square. So this is the required result. Next है हमारे पास part 3. Part 3 में जो function given है वो है 1 over a into sin inverse a over x. तो इसका आप करते हैं solution. Let y is equal to 1 over a into sin inverse a over x. Differentiate with respect to x. तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to d over dx of 1 over a into sin inverse a over x. Then आ जाएगा dy over dx, this is equal to 1 over a into d over dx of sin inverse a over x. We know that d over dx of sin inverse x, this is equal to 1 over square root of 1 minus x square. तो अब हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to 1 over a into 1 over square root of 1 minus a over x raised to the power 2 into d over dx of a over x. देन हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to 1 over a into 1 over square root of 1 minus a square over x square into a into d over dx of 1 over x. अब यहाँ पे देखा जा सकता है a के साथ हो जाएगा cancel और हमारे पास अब आ जाएगा dy over dx, this is equal to 1 over square root of x square minus a square over x square into d over dx of x raised to the power minus 1. 1 over x को हम x raised to the power minus 1 लिख सकते हैं because denominator में x की power है 1. जब हम इस term को denominator से numerator में shift करेंगे तो इसकी power minus 1 से multiply हो जाएगी. तो हमारे पास इसी वजह से यहाँ पे आ चुका है x raised to the power minus 1. Next हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to 1 over square root of x square minus a square over square root of x square into, अब यहाँ पे हम apply करेंगे power rule, तो हमारे पास आ जाएगा minus 1 into x raised to the power minus 1 minus 1. और इसके अलावा यहाँ पे देखा जा सकता है square से square root cancel हो रहा है. तो हमारे पास अब आ जाएगा dy over dx, this is equal to x over square root of x square minus a square into minus into x raised to the power minus 2. Then आ जाएगा dy over dx, this is equal to minus x raised to the power 1 minus 2 over square root of x square minus a square. Then हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to minus x raised to the power minus 1 over square root of x square minus a square. dy over dx now becomes minus 1 over x into square root of
x square minus a square. So this is our final result. Next है part 4. Part 4 में जो function given है वो है sin inverse square root of 1 minus x square. इसका करते हैं solution. Let y is equal to sin inverse square root of 1 minus x square. Differentiate with respect to x. तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx. This is equal to d over dx of sin inverse square root of 1 minus x square. उसके बाद आ जाएगा dy over dx. This is equal to 1 over square root of 1 minus square root of 1 minus x square raised to the power 2 into d over dx of square root of 1 minus x square. अब यहाँ पे देखा जा सकता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा dy over dx. This is equal to 1 over square root of 1 minus 1 plus x square. अब हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x square. तो उसके लिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल. तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 into 1 minus x square raised to the power 1 over 2 minus 1. और उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1 minus x square का, बिकॉज यहाँ पे पावर के अंडर जो एक्सप्रेशन है वो है 1 minus x square. अब यहाँ पे 1 minus 1 से कैंसिल हो जाएगा और उसके अलावा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा dy over dx. This is equal to 1 over x into 1 over 2 into 1 minus x square raised to the power minus 1 over 2 into 1 minus x square का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आ जाएगा minus 2x के इक्वल. अब यहाँ पे x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा dy over dx. This is equal to minus 1 minus x square raised to the power minus 1 over 2. Then dy over dx आ जाएगा minus 1 over square root of 1 minus x square. So this is our final result. Next है part 5. Part 5 में जो function given है वो है secant inverse x square plus 1 over x square minus 1. अब हमने इस function का find करना है derivative with respect to x. तो अब करते हैं इसका solution. Let y is equal to secant inverse x square plus 1 over x square minus 1. Differentiate with respect to x. Left hand side पे हमारे पास आ जाएगा dy over dx. This is equal to d over dx of secant inverse x square plus 1 over x square minus 1. We know that d over dx of secant inverse x, this is equal to 1 over x into square root of x square minus 1. तो हमारे पास अब आ जाएगा dy over dx, this is equal to 1 over x square plus 1 over x square minus 1 into square root of x square plus 1 over x square minus 1 raised to the power 2 minus 1 into d over dx of x square plus 1 over x square minus 1.
नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू माइनस वन। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास आ जाएगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आ जाएगा टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू इंटू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू इंटू, अब यहाँ पे भी टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू, इसको हम एक साइड पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर टू ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन,
this is equal to square root of x raised to the power 4 plus 2x square plus 1 minus x raised to the power 4 plus 2x square minus 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है x raised to the power 4 cancel हो जाएगा minus x raised to the power 4 के साथ, 1 cancel हो जाएगा minus 1 के साथ, and this is equal to square root of 4x square. This is equal to 2x raised to the power 2, और इसके ऊपर आ जाएगा square root, square से square root cancel, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x के equal. तो हमारे पास ये जो expression है इसकी जगह हम put कर देंगे 2x. अब हमारे पास dy over dx आ जाएगा minus 4x over x square plus 1 into 2x. अब यहाँ पे देखा जा सकता है x x के साथ cancel हो जाएगा and 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. तो हमारे पास dy over dx आ जाएगा minus 2 over x square plus 1. So this is our final and required result. Next है part 6. Part 6 में जो given function है वो है cot inverse 2x over 1 minus x square. अब हमने find करना है इसका derivative with respect to x. Let y is equal to cot inverse 2x over 1 minus x square. Differentiate with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to d over dx of cot inverse 2x over 1 minus x square. We know that d over dx of cot inverse x, this is equal to minus 1 over 1 plus x square. तो हमारे पास अब dy over dx आ जाएगा minus 1 over 1 plus 2x over 1 minus x square raised to the power 2 into d over dx of 2x over 1 minus x square. Then हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to minus 1 over 1 plus 4x square over 1 minus x square raised to the power 2. अब हम 2x over 1 minus x square का derivative find करने के लिए apply करेंगे quotient rule. तो हमारे पास आ जाएगा 1 minus x square into d over dx of 2x, then आ जाएगा minus 2x into d over dx of 1 minus x square over 1 minus x square raised to the power 2. Next हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to minus 1 over 1 minus x square raised to the power 2 plus 4x square over 1 minus x square raised to the power 2 into 1 minus x square into 2 minus 2x into minus 2x over 1 minus x square raised to the power 2. dy over dx now becomes minus 1 minus x square raised to the power 2 over 1 minus x square raised to the power 2 plus 4x square into 2 minus 2x square plus 4x square over 1 minus x square raised to the power 2. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 1 minus x square raised to the power 2 cancel हो जाएगा 1 minus x square raised to the power 2 के साथ. अब हमारे पास denominator में ये जो expression है 1 minus x square raised to the power 2 plus 4x square, इसको हम separately solve कर लेते हैं. 1 minus x square raised to the power 2 plus 4x square, this is equal to,
अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2 ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, देन आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2। तो हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 2 इंटू 2 प्लस 2x स्क्वायर, देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है वो है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। वी नो दैट d ओवर dx ऑफ cos इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 इंटू d ओवर dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2x, देन आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखा जा सकता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर
over square root of 1 plus x square raised to the power 2 minus 1 minus x square raised to the power 2 into minus 2x minus 2x cube minus 2x plus 2x cube over 1 plus x square raised to the power 2. अब यहाँ पे देखा जा सकता है माइनस टू एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर टू माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर टू इंटू माइनस फोर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब हमारे पास डिनोमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 2x square plus x raised to the power 4 minus into 1 minus 2x square plus x raised to the power 4. This is equal to square root of 1 plus 2x square plus x raised to the power 4 minus 1 plus 2x square minus x raised to the power 4. अब यहाँ पे 1 minus 1 से cancel हो जाएगा और x raised to the power 4 minus x raised to the power 4 के साथ cancel हो जाएगा. So this is equal to square root of 4x square and this is equal to 2x. तो हमारे पास अब dy over dx आ जाएगा minus 1 over 2x into minus 4x over 1 plus x square. अब यहाँ पे x, x के साथ cancel हो जाएगा एंड 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4. तो हमारे पास अब डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. शो दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स इफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. अब यहाँ पे गिवन है y ओवर x दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर y. तो हमारे पास यहाँ पे y आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स x ओवर y. नेक्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. Differentiate with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल. तो हमारे पास अब आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स. वी नो दैट डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो हमारे पास अब आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू x इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर y स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ x ओवर y. देन आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1. वी नो दैट टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई
दिस इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई की जगह हम पुट कर देंगे वाई ओवर एक्स, और इसके अलावा एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वोशेंट रूल। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वन ओवर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर इंटू वाई इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर, देन आ जाएगा प्लस वाई ओवर एक्स। देन हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इंटू वन माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ओवर वाई स्क्वेयर प्लस वाई ओवर एक्स। अब यहाँ पे देखा जा सकता है वाई स्क्वेयर से हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास अब आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। देन आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। अब हमारे पास ये जो टर्म है इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई ओवर एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है कॉमन, तो डी वाई ओवर डी एक्स को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देन आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देन आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू वाई इंटू टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू वाई इंटू टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और उसके अलावा टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इफ वाई इज इक्वल टू टैन ऑफ पी इंटू टैन इनवर्स एक्स, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस पी इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये जो y1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है dy वाई ओवर डी एक्स को और p एक कांस्टेंट है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू tan ऑफ p इंटू टेन इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स y दिस इज इक्वल टू p इंटू टेन इनवर्स x। अब हम दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y दिस इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ p इंटू tan इनवर्स x। देन आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y दिस इज इक्वल टू p इंटू d ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब हमारे पास tan इनवर्स y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर इंटू d ओवर डी एक्स ऑफ y दिस इज इक्वल टू p इंटू 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। देन आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू p ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स को हम लिख सकते हैं y 1। तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर इंटू y 1 दिस इज इक्वल टू p ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन दिस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो टर्म है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस पी इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।